कोरोना की तैयारियों पर पीएम की मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग हुई है। प्रधानमंत्री बोले, कोरोना रोकने के लिए राज्यों की भूमिका अहम है, बेड और वेंटिलेटर की तैयारी रखें, वैक्सीन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा कवच है, यह भी कहा प्रधानमंत्री। कोरोना की चौथी लहर दरवाजे पर खड़ी है, चुनौती बहुत बड़ी है। देश में कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर बात करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस वर्चुअल मीटिंग में पीएम ने कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर आगाह किया, यूरोप के हालात का हवाला दिया और पूरे देश को सतर्क रहने का संदेश दिया। भारतवासियों ने कई देशों की तुलना में अपने देश में हालात को काफी बेहतर और नियंत्रण में रखा है। इन सबके बावजूद पिछले दो हफ्तों से जिस तरह से कुछ राज्यों में केसेस बढ़ रहे हैं, उससे हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। वैक्सीनेशन ने कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ कवच की तरह काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी एलिजिबल बच्चों को जल्द से जल्द टीका लगाना सरकार की प्राथमिकता है। देश में कोरोना की चौथी लहर की आहट ऐसे वक्त में आई है जब छोटे बच्चों के लिए लंबे समय बाद स्कूल खोले गए हैं। जाहिर है घर वाले फिक्रमंद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें जागरूक रहना होगा। पीएम ने राज्यों को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की भी सलाह दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।